आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आजाद सिपाही राजधानी एक्सप्रेस रण क्षेत्र बना कांग्रेस भवन, भीड़ गए अजय और सुबोध कांत समर्थक। पहले काली गलौज, पत्थरबाजी, फिर चटकी लाठियां। दोनों ने एक दूसरे पर लगाया गुंडा बुलाने का आरोप, कई छायाकार भी घायल। दूसरी खबर, पूर्व मंत्री एनोस सहित 16 के खिलाफ आरोप गठन 13 को। तीसरी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को एक ओपन लेटर लिखा है। उन्होंने चान्हो प्रखंड के पतरातो गांव में सुसाइड करने वाले किसान की 80 साल की बूढ़ी मां को वृद्धा पेंशन तक नहीं मिलने का जिक्र किया है। आजाद सिपाही खूंटी एक्सप्रेस, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार की अदालत में हत्या के दो अलग अलग मामलों में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरी खबर, खूंटी के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी और वर्षों से लंबित नॉलेज सिटी के दिन अब बहुरने वाले हैं। राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी ने अधिकारियों को नॉलेज सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। तीसरी खबर, भाजपा के संगठन पर्व के तहत चल रहे सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा कार्यकर्ता गुरुवार को अपनी अपनी पंचायतों के लिए रवाना हो गए। आजाद सिपाही लोहरदगा एक्सप्रेस, कुड़ू पुलिस ने किया मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार, शुक्रवार को भेजा जाएगा जेल। दूसरी खबर, कुड़ू थाना क्षेत्र के टाटी गांव में उचक्कों ने एक बुजुर्ग की मोटरसाइकिल के झोले में रखे 20,000 उड़ा लिया। आजाद सिपाही जमशेदपुर एक्सप्रेस, एनआईटी जमशेदपुर का निरीक्षण करेगी एनबीए की टीम, विभागों की होगी रैंकिंग। संस्थान के सिविल मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विभागों की रैंकिंग होगी। दूसरी खबर, टिन प्लेट आश्रित कर्मचारी संघ का बेमियादी अनशन शुरू। तीसरी खबर, दुष्कर्म के बाद रोने लगी बच्ची तो काट दिया गला, झोले में शव रख कर घूमता रहा दरिंदा। आजाद सिपाही पश्चिमी सिंहभूम एक्सप्रेस, कॉमर्स कॉलेज में विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति अनिवार्य। दूसरी खबर, पश्चिमी सिंहभूम में एक महिला की हत्या एक किशोर ने कर दी और पिता के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया। तीसरी खबर, जमीन विवाद में हत्या कुदाल से काट डाला। आजाद सिपाही सरायकेला एक्सप्रेस, डायन के नाम पर एक परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले में 2 आरोपित को आजीवन कारावास। दूसरी खबर, नावाडी घाट पर छापेमारी, 7 बालू लदा ट्रैक्टर जब्त। आजाद सिपाही सिमडेगा एक्सप्रेस, स्थानीय चर्च सामटोली में धूमधाम के साथ संत इग्नासियस लोयला का पर्व मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में मसीही समुदाय के लोग शामिल हुए। दूसरी खबर, एसपी की अपील, क्षेत्र में शांति के लिए जनता करे पुलिस का सहयोग। जनता दरबार में विभिन्न शिविर का हुआ आयोजन, लोगों ने रखी अपनी समस्या, समाधान का दिया गया आश्वासन। आजाद सिपाही लातेहार एक्सप्रेस, बोलबम के जयकारे से गूंजता रहा महुआ डांड, 51 किलोमीटर दूरी तय कर बाबा के भक्तों ने चढ़ाया जल। दूसरी खबर, उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा ने विकास योजनाओं की समीक्षा की और योजनाओं की धीमी गति देख कर्मियों को लगाई फटकार। आजाद सिपाही पलामू एक्सप्रेस, उपायुक्त ने किया निर्माणधीन मेडिकल कॉलेज की समीक्षा, कर्मियों को अविलंब पूरा करने का दिया निर्देश। साथ ही मेडिकल कॉलेज में एक मेजर तथा एक माइनर ऑपरेशन थिएटर अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया गया। दूसरी खबर, मंडल सुरक्षा आयुक्त ने किया जपला आरपीएफ पोस्ट का औचक निरीक्षण। आयुक्त ने यात्रियों से बातचीत कर उनके समस्याओं को सुना और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आजाद सिपाही गढ़वा एक्सप्रेस, डीसी ने पदाधिकारियों संग बैठक कर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास का खाका खींचा। दूसरी खबर, सड़क सुरक्षा को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने की बैठक। तीसरी खबर, जिला स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबले में बालिका वर्ग में कस्तूरबा विद्यालय भंडरिया ने नगर उटारी कस्तूरबा विद्यालय को 3-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। आजाद सिपाही गुमला एक्सप्रेस, गुमला जिले के बिशनपुर में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की। प्रेमी ने हत्या कर शव को लटकाया, आत्महत्या का रूप देने का प्रयास, पुलिस गिरफ्त में है आरोपी। दूसरी खबर, गुमला में 15 अगस्त से शुरू होंगे पॉलिटेक्निक के क्लासेस, नामांकन आरंभ। तीसरी खबर, एसपी अंजलि कुमार झा ने किया चैनपुर थाना का निरीक्षण, कहा आम जनता के साथ अच्छे संबंध बनाने से अपराध पर किया जा सकता है नियंत्रण।
आजाद सिपाही रामगढ़ एक्सप्रेस रामगढ़ में सील हुई चीट फंड कंपनी वेलफेयर बिल्डिंग एंड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी खबर, साइकिल से कोयला ढुलाई पर रोक लगाने से क्षुब्ध ग्रामीण पहुंचे कुजूओपी, किया हंगामा। आजाद सिपाही हजारीबाग एक्सप्रेस सदर अस्पताल के मेगा स्वास्थ्य शिविर में 110 मरीजों का इलाज। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने स्वास्थ्य जागरूकता के लिए इस तरह के शिविर को मील का पत्थर बताया। डॉक्टर भारती कश्यप ने दी सर्वाइकल प्री कैंसर के लक्षण और बचाव की जानकारी। दूसरी खबर, जिला स्कूल हजारीबाग से गिफ्ट मिल्क योजना का शुभारंभ। सरकारी विद्यालयों के बच्चों को उपलब्ध हो सकेंगे फ्लेवर्ड मिल्क। आजाद सिपाही चतरा एक्सप्रेस उपायुक्त की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक की गई। बैठक में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने रिहर्सल के लिए 13 अगस्त को सभी पदाधिकारियों को जवाहरलाल नेहरू में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। दूसरी खबर, जिला स्तरीय गठित मॉनिटरिंग कमेटी ऑन असेंबली इलेक्शन को लेकर उपायुक्त ने बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। तीसरी खबर, गुरुवार को सिमरिया थाना क्षेत्र के बनासाड़ी गांव के समीप पशुधन से लदे पिकअप वैन को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा। दो पशु लेकर जाने की जगह लादे गए थे 8 पशु। वाहन में दो पशुओं की मौत हुई, जाँच में जुटी पुलिस। आजाद सिपाही कोडरमा एक्सप्रेस जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनी फरियाद, डीसी ने की शिरकत, कहा राशन पेंशन कार्ड बनवाने के लिए बिचौलियों के छासे में ना आए। दूसरी खबर, जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जागरूकता रैली निकाल। झुमरी तलैया स्थित सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित पोस्टर भी लगाए गए। आजाद सिपाही धनबाद एक्सप्रेस 11 कुंड में गैस सिलेंडर पर ज्यादा पैसे लेने को लेकर उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। दूसरी खबर, धनबाद उपायुक्त ने दिया निर्देश, सभी पदाधिकारी लेंगे एक विद्यालय को गोद। आजाद सिपाही बोकारो एक्सप्रेस जारंग डी में कर्मियों ने पीओ को मांग पत्र सौंपा, आई कार्ड वोकेशनल ट्रेनिंग की लगाई गुहार। दूसरी खबर, बोकारो धनबाद मार्ग में सड़क दुर्घटना, 4 घायल, घायलों में एक बच्ची शामिल। आजाद सिपाही गिरिडीह एक्सप्रेस पंचवा थाना क्षेत्र के चैता डीह में मानसिक तनाव में आकर 3 बच्चों के पिता ने गुरुवार को अहले सुबह घर में फांसे लगाकर आत्महत्या कर ली। दूसरी खबर, गिरिडीह मधुपुर मुख्य मार्ग में बिशनपुर नुनियाटांड मोड़ के पास कावरियों से भरा एक ऑल्टो कार पेड़ से टकरा जाने के कारण उसमें सवार एक महिला सहित 7 लोग घायल हो गए। तीसरी खबर, देवघर जिले से आकर अहलियापुर थाना क्षेत्र में लूट की योजनाओं को अंजाम देने वाले दोनों गिरफ्तार आरोपित को जिले की पुलिस शीघ्र ही रिमांड पर लेगी। आजाद सिपाही साहिबगंज एक्सप्रेस भ्रष्टाचार के दरार से निकला वर्षा का पानी। करीब 3.5 करोड़ की लागत से साहिबगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में निर्मित प्रखंड सह अंचल कार्यालय से भी पानी रिसने लगा है। इस वजह से बीडीओ प्रतिभा कुमारी ने उसमें जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मामले की शिकायत उपायुक्त से की है। दूसरी खबर, गंगा खतरे के निशान से 2.190 मीटर नीचे। हालांकि बक्सर से लेकर पटना तक गंगा नदी का जल स्तर घट रहा है। आजाद सिपाही दुमका एक्सप्रेस दुमका संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स शहर में पौधरोपण का कार्यक्रम चलाएगी। इसका शुभारंभ +2 जिला स्कूल से गुरुवार को किया गया। दूसरी खबर, दुमका जिला के जरमुंडी थाना क्षेत्र के चिहटिया गांव में हाजरा गिरोह का शातिर चोर भोला हाजरा उन्मादी हिंसा का शिकार हो गया। चोरी करते पकड़े जाने पर भीड़ ने मौके पर ही पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आजाद सिपाही देवघर एक्सप्रेस श्राइन बोर्ड को हस्तांतरित की जा सकती है। सदर अस्पताल की जमीन जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के मद्देनजर आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाने की पहल हो रही है। इसी के तहत जमीन हस्तांतरण पर विचार किया जा रहा है। दूसरी खबर, सावन महीने में बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर पहुंचे दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने 3 तलाक बिल पास होने को इंसानियत की जीत बताई। तीसरी खबर, मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमरो गांव के बगल बहियार में 2 महीने के बच्चे सहित एक विवाहिता का शव बरामद। मृतका की पहचान गाँव की सुदामा देवी के रूप में की गयी है। आजाद सिपाही गोड्डा एक्सप्रेस भाजपा की सदस्यता अभियान तेज। जीवनदायिनी कार्यकर्ताओं को चंदन का टीका और अंग वस्त्र देकर अपने अपने शक्ति केंद्रों से सदस्यता अभियान के लिए रवाना विधायक अमित मंडल एवं भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश झा ने किया।
आजाद सिपाही जामताड़ा एक्सप्रेस बाल कहानियों का मंचन कर प्रेमचंद को दी गई श्रद्धांजलि, बच्चों ने इसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरी खबर, 15,000 किसानों का डाटा एंट्री करने का निर्देश, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की भी समीक्षा की, कहा कार्य में तेजी लाएं ताकि लाभुकों के खाते में राशि भेजी जा सके। तीसरी खबर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से रूबरू हुए उपायुक्त डॉक्टर जटाशंकर चौधरी, किसानों ने उन्हें बताई समस्याएं, कहा खेतों में बिछड़े सूख रहे हैं। चौथी खबर, सरकारी खर्च पर कर सकेंगे अजमेर शरीफ और अमृतसर की यात्रा, सीएम तीर्थ दर्शन के तहत नारायणपुर के 24 यात्रियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। आजाद सिपाही पाकुड़ एक्सप्रेस, पाकुड़ शहर के ग्वालपाड़ा मोहल्ला में मोहल्ले वासियों ने चोर बताकर एक चालक की पिटाई कर दी, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उसकी जान बचाई। दूसरी खबर, भाजपा प्रवक्ता मिस्फिका ने तीन तलाक कानून की सराहना की, कहा कि महिलाओं के हक में है तीन तलाक कानून। आजाद सिपाही एक्सप्रेस में बस इतना ही, देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और हाँ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ, धन्यवाद।